हाय फ्रेंड्स, आप में से कुछ लोग एसी में कभी कभी ये प्रॉब्लम फेस करते हैं कि आप रिमोट से एसी ऑफ़ करते हैं बट एसी ऑफ़ नहीं होता है, बल्कि उसके डिस्प्ले पे कुछ डिजिट्स आने शुरू हो जाते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, और उसके कुछ देर बाद एसी अपने आप ऑफ़ होता है। या आप रिमोट से सेकेंड टाइम ट्राई करते हैं तो 2-3 बार में एसी ऑफ़ होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि ये एसी का कोई फीचर है या कोई प्रॉब्लम है, और अगर ये कोई फीचर है तो इस फीचर को क्या कहते हैं और ये कैसे काम करता है, और इसको डीएक्टिवेट कैसे करेंगे जिससे कि हम रिमोट से एसी को प्रॉपर्ली बंद कर सकें। तो वीडियो को मिस बिल्कुल मत करिएगा, वीडियो के लास्ट तक बने रहें जिससे कि आपकी कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना होने पाए। और दोस्तों, एक बात और बताना चाहूँगा कि जैसा आप सभी जानते हैं कि फेस्टिव सीजन आने वाला है और इसलिए एसीज़ पे काफ़ी डिस्काउंट्स और बहुत ही अट्रैक्टिव ऑफर्स आने वाले हैं, तो उसके वीडियोज़ भी हमारे चैनल पर अपलोड होने वाले हैं। तो चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें जिससे कि हमारे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि बारिश में कभी कभी हमारे एसी से स्मेल आनी शुरू हो जाती है, एक ऑडर आनी शुरू हो जाती है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए एसी में एक फ़ीचर होता है जिसका नाम होता है ऑटो क्लीन, और इस फीचर की वजह से हम एसी से आ रहे स्मेल को या उससे आ रही ऑर्डर को रिमूव कर सकते हैं। अब ये एसी में स्मेल आनी शुरू होती क्यों है? इसकी वजह ये है कि एसी के इंडोर यूनिट में जो एवेपोरेटर कॉइल होता है उसमें मॉइस्चर की वजह से ये स्मेल आनी शुरू हो जाती है। इस फीचर में क्या होता है कि जब हम रिमोट से एसी को ऑफ़ करते हैं तो उसका जो फ्लैप होता है वो स्लाइटली ऊपर हो जाता है, और फ्लैप ऊपर होने की वजह से ब्लोअर की एयर सीधा एवेपोरेटर पर पड़ती है जिसकी वजह से वो ड्राई हो जाता है और वो जो ऑर्डर है वो फिनिश हो जाती है, जो स्मेल आ रही है वो ख़त्म हो जाती है। और इस फीचर को ऑटो क्लीन फीचर कहते हैं, और ये बहुत ही काम का फीचर है। जब कभी भी स्मेल आए तो हमें इस फीचर को ज़रूर यूज़ करना चाहिए। यूजुअली ये सभी कंपनियों के एसी में ये फ़ीचर होता है, तो अगर आपके एसी में कभी कभी स्मेल आती है तो इस फीचर को यूज़ करके आप स्मेल को हटा सकते हैं। अब मैं आपको बताऊँगा कि इस फीचर को आपको यूज़ कैसे करना है, और अगर ये आपके में एक्टिवेट है तो इसको डीएक्टिवेट कैसे करना है, क्योंकि जैसे ही ये डीएक्टिवेट होगा तो जो आपकी प्रॉब्लम है एसी ऑफ ना होने की वो सॉल्व हो जाएगी। सो गाइस, ऑटो क्लीन फंक्शन को एक्टिवेट करने के लिए के रिमोट में हम ऑप्शंस बटन को प्रेस करेंगे, और ये एरो वाली बटन, लेफ्ट और राइट दो एरो कीज़ हैं, इनको हम प्रेस करेंगे जब तक यहाँ पर हमें क्लीन ब्लिंक होता हुआ ना दिखाई पड़े। देखिए, क्लीन ब्लिंक होना शुरू हो गया है। अब हम ये सेट वाली बटन को प्रेस कर देंगे लाइक दिस, और ये हमारा फंक्शन एक्टिवेट हो गया है। और इसको डीएक्टिवेट करने के लिए हम क्या करेंगे, वापस से हम एसी ऑन कर सकते हैं। यहाँ से सबसे पहले एसी ऑन कर दिया, फिर ऑप्शन वाले बटन पर क्लिक किया, और फिर से लेफ्ट एंड राइट एरो की से इसको प्रेस करेंगे। व्हेन ये देखिए अभी क्लीन ब्लिंक करना शुरू हो चुका है, तो हम सेट वाले बटन प्रेस कर देंगे, ये डीएक्टिवेट हो गया। मैं आपको एक और शॉर्टकट तरीका बताता हूँ इसको एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करने के लिए। अगर आपका रिमोट है, इसमें आप ये ऑप्शंस वाली बटन को 3 सेकंड तक प्रेस करके रखते हैं कंटिन्यू, तो ये देखिए एक्टिवेट हो गया। और इसको डीएक्टिवेट करना है तो वापस से इसको 3 सेकंड प्रेस करके रखेंगे और ये फंक्शन डीएक्टिवेट हो गया। सो ये आप एसी ऑन और एसी ऑफ कभी भी कर सकते हैं। सो ऑटो क्लीन फंक्शन इसका नाम है, हर कंपनी में इसका नाम अलग अलग हो सकता है बट पर्पस सेम ही है, एसी से आ रहे ऑर्डर को फिनिश करना। एसी के इंडोर यूनिट के डिस्प्ले में रूम टेम्परेचर कैसे देखें, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आई बटन में आप क्लिक करके देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दिया हुआ है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर आपको यूज़फुल लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएँ। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद।